हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। तो जो ये साइकोलॉजी का पेपर हमारा हुआ है 21 को, हम उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या टॉपिक पूछे गए थे और जो पेपर का लेवल था वो कैसे दिन ब दिन चेंज हो रहा है। ठीक है, देखो ये रहा, सबसे पहले हम ए पेपर की बात कर लेते हैं। तो ए पेपर में आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मैक्सिमम जो मुझे याद है अभी तक, वो कि आपके एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे आपका क्वेश्चन आया था, जो 5+3+3+4 है आपकी एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 11 नवंबर को करते हैं। कोठारी कमीशन पे आपको क्वेश्चन आया था और उधर उन्होंने कोठारी कमीशन ऑप्शन नहीं दिया था, एजुकेशन कमीशन बोला था उसको। क्या था वो कुछ की जो डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्ट इन देयर क्लासरूम, कुछ इस टाइप का एक वो दिया था आपको, तो वो कौन से उसमें बोला था, तो वो आपको कोठारी कमीशन में बोला था। बुद्धिज़्म पे बहुत सारे क्वेश्चन थे, ब्लूम्स का ये था कि अजर्शन रीजनिंग पूछी थी। तो आई थिंक जो उसका पहला पार्ट था, उन्होंने जो स्टार्टिंग के 3 दिए थे, नॉलेज कंप्रीहेंशन और एनालिसिस, ऐसे करके कुछ दिया था और बोला था वो हायर लेवल हैं किसके, ब्लूम्स के कॉग्निटिव एस्पेक्ट के। तो जो ब्लूम्स के कॉग्निटिव एस्पेक्ट हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे, वो कौन से आपके इवेल्यूएशन और सिंथेसिस हैं, और जो पहले 4 थे वो क्या आपके लो लेवल वाले हैं, वो उसका शायद से गलत था, पर जो सेकेंड था वो सही था। उसके बाद आगे आपका कंटेंट डिपेंडेंट लर्नर क्या होते हैं, ये आपको क्वेश्चन पूछा था, और ये लास्ट ईयर बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। उसके बाद विंडमिल का पूछ लिया था आपको, फैलेसी पूछी थी। उसके बाद सत प्रतिपक्का, ये आपको जो इंडियन लॉजिक वाली अनुमान वाली जो वो है फैलेसी, वो पूछी थी कि जहाँ दोनों क्या होते हैं, मिडल को कंट्राडिक्ट करता है, तो वो क्या होता है, सत प्रतिपक्का। और उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी, अगर आपने किसी ने KVS मदान की बुक पढ़ी होगी तो उसमें भी वही स्टेटमेंट है। फिर नंबर सिस्टम पूछा था आपको, क्लॉक पूछा था, 4:30 को अगर हम बैक लेके जाएंगे तो कितना होगा, एक रेशियो का क्वेश्चन आया था। और इस बार मैक्सिमम अजर्शन और रीजनिंग ही पूछी थी, और जो आपकी मैक्सिमम जो आपकी दूसरी रीजनिंग होती है लॉजिकल, उसका तो शायद कोई क्वेश्चन ही नहीं था। ठीक है, तो अब देखोगे कैसे कैसे पेपर का लेवल चेंज होता जा रहा है, कुछ भी पूछ रहे हैं। अब आ गया आपका बी पेपर जो कि साइकोलॉजी था। आई थिंक पहला क्वेश्चन ही आपका क्या था, रिएक्शन फॉर्मेशन पे था, तो ये क्या आपका डिफेंस मैकेनिज्म था, तो ये आपकी कौन सी मेमोरी थी, आपको इम्प्लिक्ट और एक्सप्लिक्ट करके दी थी, कॉन्शियस अनकॉन्शियस करके। रिग्रेशन पे आपका एक क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट दी थी कि जो एक वूमेन है उसकी जॉब चली जाती है, वो अपने बॉस के रूम पे जाके रोती है, तो जब वो मतलब रोती है तो वो क्या हो गया, रिग्रेशन हो गया, चाइल्डिश स्टेज पे चली जाती है। नोमोथेटिक अप्रोच पूछी थी आपको, जिसका आंसर था आइसिंक था, क्योंकि जो पहला उन्होंने एलपॉट दिया था वो एक बारी पहले भी क्वेश्चन पूछा था, उसमें वो क्या थी आइडियो, एक थी आपकी नोमोथेटिक और दूसरी कौन थी आइडियोग्राफिक आपकी अप्रोच। फिर और जो बाकी दो ऑप्शन थे वो कार्ल यंग और शायद गार्डनर थे, उनकी तो कोई ऐसी अप्रोच ही नहीं है। फिर एंडॉर्फिन के बारे में पूछा था, एंडॉर्फिन में देखो क्या था कि अब देखो क्वेश्चन कैसे आ रहा है, 3-4 स्टेटमेंट दी थी, अगर आप बिल्कुल इतना डीप पे जाके किसी टॉपिक को पढ़ोगे तो वैसे से आएगा नहीं। तो पहले क्या होता था कि सीधे से सिंपल, आपको मैंने आपको पहले भी बोला था, जब मैंने आपको न्यूरोट्रांसमीटर वाली वीडियो डाली थी उसमें बताया था कि क्वेश्चन सीधा से बिल्कुल नहीं आ रहा आजकल। पहले सिंपल पूछते थे कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर, उसका एक्साइटेटरी इफेक्ट पूछते थे, इनहिबिटरी इफेक्ट पूछ लेते थे, पर इस बार एंडॉर्फिन का पूछा था और बिल्कुल डीप लेवल पे पूछा था, क्योंकि इसकी 4-5 स्टेटमेंट्स आई थी, जिसको बिल्कुल पता होगा वही इसका रिस्पांस कर सकता था। फिर आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक आपका ह्यूरिस्टिक पूछा था कि कुछ स्टेटमेंट दी हुई थी कि एक बच्चा कुछ करता है तो मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसको लेके, तो आई थिंक उसका ह्यूरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव था, क्योंकि ये भी मैंने आपको उसमें जब कॉग्निशन वाला टॉपिक करवाया था उसमें करवाया था, एक अवेलेबल ह्यूरिस्टिक था आपका और एक आपका क्या था ये रिप्रेजेंटेटिव। फिर आ गया क्या इमोशन के बारे में भी, देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन नहीं आया था, जो स्टेटमेंट दी थी उन्होंने घुमा के दी थी, मुझे स्टेटमेंट याद नहीं है कि क्या दी थी, पर शायद से उसमें ये था कि ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम किसमें ऐड होता है, मुझे उसकी खुद गारंटी नहीं है कि उसका आंसर क्या होगा और मुझे याद भी नहीं है, मैंने खुद क्या किया हुआ है,
तो उसका शायद से पर कैनन बर्ड की थ्योरी थी, क्योंकि वही एक वैसी थ्योरी थी जिसमें थैलेमस क्या होता था, एक्टिवेट होता था। पर मैं शायद इसका खुद से भी गलत करके आई हूँ, मैं इसका जेम्स लैंजा ही करके आई हूँ। उसके बाद आ गया ऑथर जैनसन का। ऑथर जैनसन को आपको बहुत बार पूछ चुके हैं, अगर आप लास्ट 4 साल के भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो इसके बारे में पूछते ही पूछते हैं। इसका कभी पूछ लेते हैं पीएचडी किसने की थी, पीएचडी का रिजल्ट क्या आया था, ठीक है। तो अगर जिन बच्चों ने वो किया होगा उनका ये ठीक हुआ होगा, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट वो देख के पता लग रही थी। एक कोई मूड थेरेपी पूछी थी उन्होंने, तो वो मूड थेरेपी अब हमें पता नहीं है, बट जब आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो एक स्टेटमेंट उसमें ये थी कि उसका जो ये थेरेपी है किसने, एल्बर्ट जो आपके एलिस है उन्होंने इन्वेंट किया, पर उन्होंने शायद कॉग्निटिव थेरेपी करी हुई है, तो इसलिए मतलब वो थोड़ा गलत लग रहा था ऑप्शन, और बाकी सारे तो ठीक ही थे। फिर उसके बाद आ गया जॉना कम्प्लेक्स के बारे में पूछा था, कि जब आपको मतलब कुछ अपनी बड़ी ज़्यादा तरक्की के बाद डर लगता है कि हम ये चीज़ खो देंगे, तो उस टाइप का था ये, ठीक है। तो जॉना कम्प्लेक्स था। और जो जस्टाल था इसका ये पूछा था, अरेंजमेंट पूछा था, तो सबसे पहले आई थिंक वो आना था आपकी, इसकी ये स्टेज थी कि ट्रायल एंड एरर थी शायद से। फिर उसके बाद आ गया इसके अरेंजमेंट पूछा था गार्डनर की, देखो अब उसका नहीं तो सिंपल ऐसे ये क्वेश्चन आते ही नहीं है, मतलब हमारे दिमाग में भी नहीं होता कि ऐसे पूछ सकते हैं। इससे पहले इस बार इन्होंने गार्डनर की थ्योरी की अरेंजमेंट पूछी है, इससे पहले इन्होंने जो आपकी थर्स्टोन की थ्योरी है 7 मेंटल प्राइमरी एबिलिटीज़ जो, उसकी अरेंजमेंट भी पूछी हुई है एक बार, तो इस बार इन्होंने गार्डनर की पूछ ली थी। पर अगर आप गूगल भी करोगे उधर भी पता नहीं लगता है कि क्या दिया है, नहीं तो एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे तो उधर उन्होंने जैसे सिंपल दिया तो अब ये नहीं पता है कि वो अरेंजमेंट भी दी है कि ऐसे दी हैं, बट उधर भी उन्होंने सबसे पहले म्यूजिकल दिया, फिर लॉजिकल मैथमेटिकल दिए शायद से, फिर स्पेटियल दिया, बट सबसे लास्ट में नेचुरलिस्टिक है, ठीक है। फिर आ गया सूफिज़म। सूफिज़म में तो हर बार क्वेश्चन आ रहा है सूफिज़म में से ही, और नफ्स का ही आता है इसका क्वेश्चन। फिर आ गया आईक्यू का भी दिया था एक, शायद कि 80 आईक्यू है, पता नहीं कितनी एज है, तो ये निकल गया होगा एमए अपॉन सीए करके इनटू 100 करके, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, अनोवा का पूछा था आपको, ये सिंपल क्वेश्चन था जिसको बिल्कुल बेसिक पता होगा कि नॉन पैरामेट्रिक मेजर क्या है अनोवा का। वन वे अनोवा का तो क्रश कॉल वाली से, और अगर टू वे का पूछा था तो फ्राइमैन था। और उसके बाद मैनकोवा का भी पूछा था, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हुई थी। प्लानिंग फैलेसी पूछा था आपको। अब जिन बच्चों ने सोशल साइकोलॉजी की जो मैंने वीडियोस लगाई थी उसमें ऐसा अभी तक कोई टॉपिक नहीं है जो मैंने नहीं करवाया। फिर उसके बाद सिमेंटिक मेमोरी का पूछा था आपको, रेसिप्रोसिटी का पूछा, देखो अब कंप्लाइंस में मैंने आपको ये भी करवाया था। अब सिंपल ये था उधर कि अगर आप फुट इन द डोर था ना, तो वो आपको सिंपल बताया फुट इन द डोर कौन सी आपकी अप्रोच है, वो कंसिस्टेंसी है, और जो डोर इन द फेस था वो क्या था आपका, रेसिप्रोसिटी था। बट अब दूसरा ऑप्शन कंफ्यूज वाला उधर ये था कि उन्होंने दो और ऑप्शन दिए थे और अकेला वो ऑप्शन रखा नहीं था, तो उसमें जो एक था गेटिंग प्लेइंग हार्ड टू गेट, तो उसमें ये था कि वो सरकासिटी पे था, वो भी मैंने आपको बताया था, अगर आप वीडियो अभी भी खोलोगे तो एक उसके बाद एक बच रहा था कि दैट्स नॉट ऑल टेक्निक, तो मैंने तो वही किया आंसर किया ही, तो कन्फर्म होगा। बट जो बाकी तीन थी उन सबकी अप्रोच मुझे पता थी कि ये है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका इथोलॉजिकल अप्रोच। अब जिन बच्चों ने ये भी लास्ट अगर 3 ईयर के भी क्वेश्चन किए होंगे, या जो मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी मॉक टेस्ट वाली, जिसमें यूजीसी ने अपने लास्ट 2020 तक के सारे क्वेश्चन दिए थे और बाकी जो अपडेट होते रहते हैं वो भी दिए थे, और इस साल के भी जो अपडेट होंगे अब वाले जब इनके आंसर की वगैरह आ जाएंगी तो उधर ये भी अपडेट हो जाएंगे, तो उधर जिस बच्चों ने किया होगा तो उनको पता होगा कि ये क्या अप्रोच थे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार पहले भी पूछी थी। डीएसएम का उन्होंने कुछ नया ही डिसऑर्डर पूछा था, मुझे खुद नहीं याद क्या पूछा था, और उसमें ये था कि DSM-5 में उसको अब हम क्या बोल रहे हैं। फिर कॉग्निटिव असेसमेंट बैटरी, कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम बहुत बार पूछ लिया हुआ है, एक जेपी दास ने दिया हुआ, कुछ कैटल की थी, कैटल, जेपी दास, आपके कार्ल यूंग, उसके बाद आ गया आपके एडलर, फिर हेनरी मुर्रे, सिगमंड फ्रूड, इन सब का मैंने पहले भी बोला था कि अच्छे से कर लिया करो क्योंकि मैच में ऐसा सही पूछते हैं। फिर इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी पूछी थी, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोजेक्टिव टेस्ट में, अचीवमेंट टेस्ट में ये यूज़ होती है कि जो स्कोरर के बीच का क्या कि मतलब कंसिस्टेंसी रिजल्ट देने की। फिर EPPS के बारे में पूछा था कि ये फोर्स चॉइस है, उसके बाद क्या है ये, मतलब ईजिली हम इसको फेक कर सकते हैं, दी किसने है, ये कालयुग ने दी हुई है, उसके बाद और क्या था, इसकी भी 2-3 स्टेटमेंट थी, तो जिसके इसके बारे में थोड़ा भी पता होगा वो इस क्वेश्चन को कर पा रहा था। तो कल्चर फेयर टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस 4 पूछे थे, और शायद उसमें से पूछा था कि कौन सा कल्चर फेयर टेस्ट है। इमोशनल इंटेलिजेंस का पूछा था, मेयर और सोल्वो का जो टेस्ट है, इसमें क्या था कि सिंपल इन्होंने 4 टाइप की दी हुई हैं आपको इमोशनल इंटेलिजेंस, बट उसमें जो शायद यूज इमोशन है
उसके बाद परसीव इमोशन है, अंडरस्टैंड इमोशन है, पर जो मैनेजमेंट था वो नहीं था। ऐसे इनकी चार हैं, पर टेस्ट में इन्होंने तीन टाइप का यूज़ किया था, ठीक है। तो इनका ये था। अब और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे पर अब मुझे आ नहीं रहे हैं दिमाग में कि क्या क्वेश्चन थे। और पेपर मतलब पहले के मुकाबले में इस बारी क्वेश्चन पेपर बहुत लेंथी था, क्योंकि एक एक ऑप्शन के ही आपको, एक एक क्वेश्चन के आपको बहुत बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए थे, तो उसको सिलेक्ट करने में भी टाइम लगता है। और जो आपका ए पेपर था उसका DI बहुत अच्छा आया हुआ था, सिंपल सा था, कोई ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं थी, और कंप्रीहेंशन भी ठीक ही था। तो अब जब आंसर की आएगी हमें तब पता लगेगा कि क्या सही था क्या गलत था, बट तब तक के लिए जो मुझे क्वेश्चन याद थे तो मैंने आपको बता दिए। और अगर आपको कोई याद है आप कमेंट करके बोल सकते हो, और आंसर अगर मैंने कोई गलत दिया तो आप मुझे भी बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर भी करना। थैंक यू।